गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट द फ्रांस रिवॉल्यूशन, हाउ दे देयर मोनार्की एब्लिश्ड एंड आफ्टर देम हाउ देयर अपर देयर हाउ द सोसाइटी चेंज देन इट विल लेटर व्हाट्स द थिंग द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस. You know that after the long fall of Jacobean government, Jacobean, you have remember in previous class I told you, that government, a Belgian middle class, I told you, who were professor, artist, rich farmer, they were. This power came into in that society. And that person belongs to the clergy and noble, their abolitionists. And that time, a Belgian middle class took the side of power. A new constitutional was introduced which denied the vote to non-propertied section. Like in India, there was not. Same as every citizen of the nation can cast the vote. Before also told, again I am reminding you, there even male of all sections, they are not allowed to participate in the vote. They denied the vote to the non-property section of the society. It provided two legislative council. This optional directory and executive made of 5 members. How many members were there? 5. 1, 2, 3, 4, 5 members. The political instability of the directory paved a way of rise of the military director, dictator Napoleon Bonaparte. You know Napoleon Bonaparte, that earlier I told you, he was a मेरा स्वप्न दृष्टा, दीवार स्वप्न दिखाने वाला बेटा. वो एक ऐसा शासक था जो वहां के लोगों को स्वप्न दिखाया, लाइक हिटलर, लाइक मुसोलिनी. इन सेम एज नेपोलियन आल्सो थ्रू ऑल दीज चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी before the law and the law and the fraternity of remained inspiring ideas that motivated political movement in France and rest of the Europe during the following century. In coming year of the whole of Europe, that will one by one I will tell you, all affected by the movement conditions of the France that occur, it has been gone throughout the other country of Europe. Next point, after that, did women have a revolution? On this I will discuss to you some point. That time their conditions of women's we are not good so much. उस समय वहाँ पे महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जैसा कि राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ. ऐसा नहीं ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पॉलिटिक्स, नॉट एज पर द सिविल. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी. They were participant in this all event, all incident that occurred there. जितनी घटनाएं हुई उसमें सभी में वहाँ के फ्रांस के समाज की घटनाओं में वहाँ की महिलाओं की अहम भूमिका थी. Most women of the third estate had work for living. Earlier I told you, nobility and clergy were enjoy a royal life, a very good life, but
all taxations were compelled to give by the third state of the people. केवल तृतीय ग्रुप के जो लोग थे, श्रेणी के जो लोग थे, उन्हीं को सारा कर देना पड़ता था. तो स्वाभाविक है थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी उनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता था. अच्छी तरह से वो घर के साथ साथ बाहर के काम में भी भाग लेती थी. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग. इफ सी वुड नॉट वर्क देन दे कैन गेट द प्रॉब्लम इन सर्वाइविंग. अगर वो काम नहीं करती तो उनको जीने में भी समस्याएं आ सकती थी. दे वर्क एज सीमेस्ट्रेस और लॉन्ड्रीनेस. सीमेस्ट्रेस मीन्स बताया अ न्यू इंग्लिश वर्ड. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नॉट नो, सो आई एम टेलिंग यू द मीनिंग. सीमेस्ट्रेस मीन्स दर्जी. दर्जी यू नो इफ एन ए फीमेल विल वर्क देन दैट वन इज नॉट दर्जीन. वह महिला जो दर्जी की काम करती हो उसे सी मेट्रेस कहते हैं. लॉन्ड्रीनेस लॉन्ड्री यू नो और यू नो वाशरमैन. दिस फीमेल ऑफ वाशरमैन इज नोन एज लॉन्ड्रीनेस. इवन दे सॉल्व फ्लावर. विमेन सॉल्व द फ्लावर. फूल बेचती थी, फ्रूट फल बेचती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट ऑफ और वेयर एम्प्लॉयड और डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरियस फैमिली. एट प्रेजेंट ऑल्सो मैनी इन सिटी यू विल फाइंड. आप शहर में पाओगे बहुत सारी महिलाएं जो गरीब परिवार की होती हैं, संपन्न संभ्रांत परिवारों के बीच में जाके वो अपना घर का काम करना, मॉपिंग करना, सी डू द मॉपिंग वर्क, इवन सी कुक द फूड, खाना बनाती हैं. उसके बाद वो जो है सो बहुत सारी कामें करती हैं. कुछ जो है सो यहाँ तक कि बाथरूम तक साफ करती हैं. क्यों? फॉर द सर्वाइवल. दिस कंडीशन वेयर इन द फ्रांस ऑल्सो. ऐसी अवस्था फ्रांस में भी थी. बहुत विकट स्थिति थी उस समय की. मोस्ट वुमेन डिड हैव एक्सेस टू एजुकेशन जॉब ट्रेनिंग. ओनली डॉक्टर टू नोवस वेल्थियर क्लास ऑफ फैमिली कैन गेट द ट्रेनिंग एंड गेट अ स्टडी इन द कॉन्वेंट. आई डिफाइंड ऑन प्रीवियस क्लासेस व्हाट इज कॉन्वेंट. एन इंस्टीट्यूशन, टीचिंग इंस्टीट्यूशन विच रन थ्रू द मॉन्क एंड नन. रिमेंबर इट. आप याद रखोगे कॉन्वेंट का अभिप्राय वैसी महिलाओं से है, वैसी संस्थाओं से है जो केवल साधु और सन्यासियों के द्वारा चलाई जाती है. तो ऐसी संस्थाओं में पढ़ने का स्वभाव केवल संभ्रांत परिवार के बेटियों को ही प्राप्त था. ऐसा नहीं कि जो अभी आपकी गवर्नमेंट, योर गवर्नमेंट बीइंग गिव द चांस टू ईच एंड एवरी वुमेन टू गेट द स्टडी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाइक दिस वे. देयर नॉट एनी एम्पावरमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वुमेन इन फ्रांस. द फैमिली अरेंज अ मैरिज फॉर देम. वर्किंग वुमेन हैड टू ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिली दैट वर्क, फेच वाटर, क्यू अप फॉर द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. समटाइम यू ऑन टीवी विल वॉच दैट इन आवर लोकलिटी ऑल्सो. हम लोग के समाज में भी आप देखोगे आसपास तो बहुत सारी महिलाएं हैं राजस्थान या पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी लाने के लिए या शहरों में सामुदायिक जल के नल के नज़दीक अपने पोर्टेबल वाटर पॉट में पानी भरती हैं. उस तरह से वहाँ भी महिलाओं का काम अपने परिवार का केयर करना, पानी लाना, रोटी की व्यवस्था करना, राशन लाना इत्यादि थे.
there and look after the children. Even after that, only one was to look after the children of their study. Their wage were lower than the those of men. Means salary of the women were always lesser than the salary of the male. महिलाओं की आय उसकी वेतन जो मिलती थी वो हमेशा पुरुषों के वेतन से कम होता था. To discuss and voice their interest, women started their own political club and new newspaper. Ultimately, women realized her problem. अंततो गत्वा महिलाएं अपनी समस्याओं को उठाने के लिए खुद अपनी एक क्लब बनाई, अपनी एक संस्था बनाई जिसमें लोग मिलती थी और उसका निदान करती थी और यहाँ तक कि अपना समाचार पत्र भी अखबार का भी संचालन उन्होंने शुरू कर दिया था. सिस्टिक क्लब कम अप द डिफरेंट एक्टिविटी. वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन. पहले फ्रांस में केवल सम्राट लोगों को जो 3 दिन, जैसे कि मैंने बताया था, 3 दिन के सैलरी के इक्विवेलेंट जो टैक्स देता था उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार था. सारे लोगों को था ही नहीं. यहाँ तो महिलाओं का तो और निकट स्थिति थी. द सेम पॉलिटिकल राइट ऑफ मैन वुमेन वेयर वाज डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैन 1791, याद रखोगे बेटा, 1791 का जो राइट जो मिला था, संविधान जो बनी थी, उसमें उन्हें पैसिव सिटीजन का, मैंने बताया था एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन और सिटीजन हु वेयर कास्ट देयर वोट, पार्टिसिपेट इन द वोटिंग, एंड पैसिव सिटीजन लेफ्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग ऑल वुमेन who had not right to cast vote or participate in any activity of the France political politics. They demanded the right to vote to the be elected to the assembly and hold politically office. महिलाओं का भी मांग था जो उन्हें भी पार्टिसिपेट किया जाए, इलेक्शन में भाग लिया जाए. एज ए कैंडिडेट इन योर कंट्री 1/3 ऑफ टोटल सीट वेयर गिवन फॉर द वीमेन, रिजर्व सीट दी जाए, 1/3 महिलाओं का अधिकार है और बाकी में भी भाग ले सकती है. इफ मेनी स्टेट गिवन 50% रिजर्वेशन, लाइक बिहार जैसे राज्य में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया है. 50% सीट केवल महिलाओं से ही भरा जाएगा सारे सेक्शन में, इवन पॉलिटिक्स आल्सो. बट देयर वाज देयर डिमांड ओनली टिल 1791. द रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इंप्रूव द लिव्स ऑफ द वुमेन. सुधार तो हुई, उनके स्तर में विकास तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ बेटा. दे लाइक टू इंप्रूव देयर लिव्स, बेटरमेंट टू देयर, विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड ऑफ कंपल्सरी टू एवरीवन फॉर ऑल गर्ल्स. एवरीवन मींस प्रत्येक लड़कियों को राइट मिला था, अधिकार था जो विद्यालय जा सकती थी. देयर फादर डू नॉट कंपल्सेट टू मैरिज against their will. आज के डेट में भी जो लड़कियां मैच्योर नहीं है, वो एज इज नॉट मोर देन 18 years, नो एनी पेरेंट्स कैन कंपेल हर टू द मैरिज. इट इज अ क्राइम, इट इज अ सीन, एक अपराध है. कोई भी परिवार के मुखिया अगर अपनी लड़कियों की शादी 18 से कम, उस तरह वहाँ भी उस समय मैरिज जो है कोई नहीं कर सकता था कवेज में. अगेंस्ट देयर विल ऑफ मैरिज
अगर लड़कियों की इच्छा नहीं है तो लड़की उनकी शादी नहीं हो सकती है। वाज मेड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू द फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। एक लॉ बना, एक संविधान का सिविल लॉ के तहत उन लोगों का अधिकार मिला। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर द बोथ वुमेन एंड मैन। पूर्व में केवल पुरुष को, केवल मेल को ही राइट था आपको डाइवोर्स करने का, प्रत्याग करने का, लेकिन बाद में महिलाओं को भी उन्हें अधिकार मिला। अप्लाइड फॉर वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर द जॉब एंड कुड बी बिकम द आर्टिस्ट एंड न रन अ स्मॉल बिजनेस। अब महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद पहले तो नहीं अधिकार था, बाद में अधिकार दिया गया। सी कैन डू द वर्क इवन सी कैन ऑर्गेनाइज हर ओन बिजनेस। वुमेन वुमेन फॉर वैरायटी ऑफ राइट्स एंड इक्वल वेज कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 इयर्स। मींस यू नो इन 1948 शी गॉट द वोट राइट टू कास्ट द वोट एंड 200 इयर्स शी हैड गॉट। But I forget, it was 1946, not 1948, it was not 1948, it was 1946 when women ultimately got the right of work and she got the right to cast the vote in 1946. 1946 में वो अंततोगत्वा मत देने का अधिकार प्राप्त किए। फिर भी नाउ दैट टाइम स्लेवरी, दैट थर्ड पॉइंट आई हैव रिटन द एब्लोलिशन ऑफ स्लेवरी। बेटा गुलामी सबसे बड़ी अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप गुलामी है। अगर किसी चिड़िया को आप पिंजरे में बंद कर देते हो, इफ यू पुट एनी वर्ड इन द केज लाइक पैरट, देन दैट वर्ड नेवर लाइक टू लिव इन द केज। इवन यू एज ए स्टूडेंट, if anyone say you everything food cloth and shelter everything provide and not allowed to talk, to not go in the contact with other person, in this condition you will face so much problem, bahut sari samasyaen hongi beta aapko, aur aap itni matlab mentally you will be what you can say, mentally you are unable to think more, you become the blunt patra। Same as Alois there in France, in the 18th century there was a great criticism of slavery in France. France में भी उसकी निंदा की गई। National Assembly held a long debate about whether the right of man should be extended all the French in 1794. In 1794, Napoleon reintroduced Napoleon Bonaparte that I said earlier, slavery, planted nets, people who work in the plant farm, honor, understand their freedom and including the right to the insult African Negro in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in France colony in 1848. कॉलोनी मीन्स उपनिवेश हुआ, जो फ्रांस का जो उपनिवेश था जहाँ निग्रो लोग थे, निग्रो मोस्टली बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका। बट देन निग्रो आई टोल्ड that belong to the south of African countries of tribal people. The revolution of everyday life, ultimately then revolution occurred in day by day life. They got everywhere, every field of walk of life, they like to get the freedom, even they like to like the property, everything little bit later they got also. This was the theme. I think fully you have understand the, you will understand the chapter, and one request again, you will read minutely all the
this chapter, first chapter fully, and we will do all questions and answer of the chapter at the last page given. I hope you will be able to do. If by the way get any problems, then you will call us, I will help you.